वेलकम टू ज्ञान ईयर दोस्तों, आज हम समझेंगे TLC के बारे में। बहुत से लोग जानना चाह रहे थे भाई TLC क्या होता है। सो यहाँ पे TLC में आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोला जाता है। बेसिकली ये WBC का ही दूसरा नाम है। तो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उन्हें ही TLC कहते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाती हैं। जाहिर सी बात है, आप जब आप CBC कराने जाओगे तो उसमें उसका लेवल रहता है, एक नॉर्मल रेंज रहती है भाई, 4000 से लेकर 11000 के बीच। स्टैंडर्ड उसका जो रेंज है वो 4000 से 11000 के बीच। अगर ये 11000 से ज़्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं भाई TLC बढ़ गया, मतलब कि आपका जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो बढ़ गया, मतलब कि WBC बढ़ गई है। ठीक है, अब ये क्यों बढ़ती है इसको समझते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के ब्लड के अंदर TLC काउंट ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब होता है भाई इन्फेक्शन। जब जब हमारे शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा, कोई बैक्टीरिया का, वायरस का, किसी भी चीज़ का, तब हमारी बॉडी एक उससे फाइट करती है, लड़ती है कि भाई उस बैक्टीरिया, उस कोई भी एंटीजन के प्रति हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। उस समय पे क्या WBC उससे लड़ती हैं, WBC एक्टिव हो जाती हैं। तो भाई जितने ज़्यादा WBC उतना ज़्यादा इन्फेक्शन, आप ये बोल सकते हैं। कम इन्फेक्शन है तो कम कम WBC TLC कम रहेगा। तो जितना ज़्यादा आपका जो है TLC होगा, उससे ये कह सकते हैं कि भाई व्यक्ति को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो कई तरह की समस्याओं में जो TLC होता है वो बढ़ जाता है भाई। किन किन समस्याओं में बढ़ जाता है भाई? कई बार बैक्टीरिया के इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में हो जाता है तो TLC भी बढ़ जाता है। टाइफाइड वगैरह जैसी समस्याओं में ये बढ़ ही जाता है। उसके अलावा एलर्जी, किसी को अगर कोई एलर्जी की समस्या है, सीवियर एलर्जी है, तब भी TLC बढ़ जाता है, WBC काउंट ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में कई बार देखा गया, प्रेगनेंट वुमेंस का जब उनका चेकअप कराया जाता है ब्लड टेस्ट, तो प्रेगनेंसी में भी निकलता है ज़्यादा। इन्फ्लामेशन, अगर आपको कहीं चोट वगैरह लग गई है पैर वगैरह में, तो सूज गया है, तब भी WBC बढ़ जाता है। उसके अलावा चोट लग गई हो, कट गया हो, घाव वगैरह, तो हालांकि पूरी बॉडी उसमें अफेक्टेड नहीं है, बुखार वगैरह कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं है कि पूरी बॉडी को, लेकिन कई एक आध जगह पे भी कई कोट कट लग जाएगा, छोटा मोटा ब्लड आ जाएगा, तो उस कंडीशन में भी WBC बढ़ जाता है। उसके अलावा क्या होता है दोस्तों, कि कई बार देखा गया है कि लोग बहुत ज़्यादा लंबे लंबे समय तक जिम में एक्सरसाइज करते हैं, और वो बात अलग है, स्टेरॉइड्स वगैरह लेके करते हैं, बट हैवी वर्कलोड से ये हो जाता है। आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, ज़्यादा जिम में समय गुजारोगे, उससे भी ये देखा गया है भाई उन लोगों के WBC काउंट जो है ज़्यादा हो जाता है। ये तो होगा भाई कि TLC बढ़ने के कारण कई बार देखा जाता है TLC काउंट जो है कम भी हो जाता है। जो 4000 से 11000 के बीच बोल रहे हैं, तो कई बार 4000 से नीचे भी जाता है कई लोगों का, लेकिन थोड़ा कम ही होता है, ऐसा अक्सर कम देखने को मिलता है, लेकिन होता ज़रूर है। वो कब होता है दोस्तों? कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर कि हमारे सारी WBC नष्ट होने लगती है। मतलब WBC कम पड़ गई है, बैक्टीरिया वायरस ने जो है WBC को ही नष्ट कर दिया। तो एक कंडीशन ये होती है भाई कि WBC नष्ट हो जाए। दूसरी कंडीशन ये होती है भाई, कभी कभी ऑटो इम्यून डिजीजेज होती थी कई कई तरह की, तो उनमें भी ये कम हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीजेज में WBC काउंट कम हो जाता है। उसके अलावा बात किया कीमोथेरेपी, कई लोगों को जो कीमोथेरेपी चलती है, तो हालांकि वो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लेकिन जब वो कीमोथेरेपी चलते चलते जब वो CBC कराते हैं तो देखते हैं भाई WBC कम हो गया, तो कीमोथेरेपी के द्वारा भी ये हो जाता है कम। एक और कंडीशन होती है दोस्तों कि भाई देखो, नष्ट हो रही हैं दवाइयों से, नष्ट हो रही हैं बैक्टीरिया वायरस नष्ट कर रहा है, या एक ऐसा भी कंडीशन आ जाती है कि भाई बॉडी ही कम बना देती है। मतलब जो बॉडी नेचुरल बना रही है 4000 से 11000 के बीच, लेकिन अब वो कम बनाने लगती है। वो कब बनाने लगती है? आपका बोन मेरो, स्प्लीन, और इन जगह पे, खास तौर पे बोन मेरो में कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ल्यूकोसाइट्स जो बनती ही नहीं है उसमें, क्या होता है सफिशियंट वे में ल्यूकोसाइट बना ही नहीं पाता है वो, तो क्या होता है बोन मेरो ही जब बनाएगा नहीं तो ब्लड के अंदर कहाँ से आएंगे WBC। तो ये कंडीशन ये भी होती है। यहाँ पे बस यही है कुछ कारण कि भाई ये घटने के, कि भाई, और कई बार क्या होता है देखा गया है कि आजकल शहरों में जो सोसाइटीज़ में, या आजकल सब जगह बोल सकते हैं आप, कि जो फल सब्जियाँ आ रहा है उनमें केमिकल डल के आ रहा है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट ये भी देखा गया है कि भाई जो लोग ऐसी पेस्टिसाइड वाली सब्जियाँ ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनके ब्लड के अंदर WBC काउंट कम हो जाता है, ठीक है। वो क्या होगा, केमिकल उनकी बॉडी में पहुँच जाता है। तो ये होता है दोस्तों TLC, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोल लो आप, WBC बोल लो, बढ़ने के कारण इन्फेक्शन है, कम होने का काम भी इन्फेक्शन के द्वारा ही होता है या बने ना। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे ये पता चलता है कि भाई कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं है, ये इंडिकेट करता है। WBC बढ़ना कोई बड़ी घबराने वाली बात नहीं है कि ये बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ता है कि भाई आपको पता चल सके कि भाई आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है या नहीं, तो एक अच्छा इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो इसको मेंटेन कैसे किया जाए, तो ये अलग चीज़ होती है। देखो भाई, आप नियमित अपना एक्सरसाइज करो, लाइफस्टाइल को मेंटेन रखो, अच्छी डाइट लो,
हल्का फुल्का खाओ बढ़िया, हर वीडियो में बोलते हैं यही। तो एक कुछ चीज़ें हैं इनके द्वारा आप इसको मेंटेन कर सकते हो। सो ये होता है दोस्तों ल्यूकोसाइट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। एक और होता है डीएलसी को हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे, उसको भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझने में मज़ा आएगा। सो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।